हाई गाइस वेलकम बैक विद द नर ब्लॉग आई होप आप सब ठीक होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जिसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम है आइल्स में भी बहुत कम बैंड्स चाहिए आपको इस प्रोग्राम के अंडर और अब पहले तो बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम का नाम क्या है वैसे तो मैं भी आपने वैसे सुना होगा इस प्रोग्राम के बारे में बट इस फिर भी आज हम थोड़ी सी इस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे इस प्रोग्राम का नाम है एग्री फूड पायलट प्रोग्राम एग्री फूड ऑफ पायलट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कनाडा में मई 2020 में ठीक है और इस ये प्रोग्राम तीन साल के लिए लॉन्च हुआ था मतलब मई 2020 से लेके मई 2023 तक मतलब इस साल जो मई अभी निकल के गया है मई के महीने तक था 14th ऑफ मई तक था ये प्रोग्राम तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि इस प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया जाए क्योंकि आपको पता है कि ऑब्वियसली जहां से गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है तो नॉट वहां से पैसा आने दो ठीक है तो वही चीज है ये इस प्रोग्राम को काफी ज्यादा सक्सेस मिली थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड करने का सोचा अब ये प्रोग्राम एक्सटेंड हो चुका है वैसे तो हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट होगी क्योंकि मई में ही आ जानी चाहिए थी मई में एक्सटेंड हो गया था बट एनी वे अब बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में एक्सटेंशन जो मिली है इस प्रोग्राम की वो मिली है मई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक फोर्टीन ऑफ मई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक तो अब भी आपके पास दो साल ऑलमोस्ट दो साल एक महीना कम हो गया है में क्योंकि हम लेट हो गए एक महीना तो अभी भी अगर आप इस प्रोग्राम के अंडर एलिजिबल हो जाते हो तो आप इस प्रोग्राम के अंडर अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो एग्री फूड पायलट प्रोग्राम के नाम से आपको लग रहा होगा कि शायद इसमें मोस्टली एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही जॉब्स वगैरह होंगी बट नहीं और भी बहुत सारी ऑक्युपेशन है जो इसके अंडर आती है उसके बारे में कंप्लीट थॉरली आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा वीडियो को थॉरली कंप्लीटली देखिएगा तो आपको सारी जानकारी मिलेगी तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूं चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लो और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बार में भी मिल जाएगा वहां से जाके भी चेक कर सकते हो तो चलिए जी अब हम हम चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप ऑन द स्क्रीन दिखाऊंगी कि क्या एलिजिबिलिटीज है क्या रिक्वायरमेंट्स है कौन अप्लाई कर सकता है क्या प्रोसेस रहता है क्या लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है क्या एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है सब कुछ थॉरली बात करेंगे ऑन द स्क्रीन तो चलिए जी फटाफट फड़ से स्विच करते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ तो ये आ गए हैं हम स्क्रीन के ऊपर ठीक है तो ये रात जिस प्रोग्राम के बारे में हम आज बात कर रहे हैं एग्री फूड पायलट प्रोग्राम अब इसके बारे में हम देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या प्रोसेस रहता है ठीक है तो सबसे पहले ही आप देख लो सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कि एलिजिबल कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं हमें पता चल जाएगा कितना एक्सपीरियंस चाहिए ठीक है मस्ट हैव एलिजिबल कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ वन ईयर नॉन सीजनल फुल टाइम जॉब होनी चाहिए इन द लास्ट थ्री ईयर्स फिफ्टीन सिक्सटी आवर्स कंप्लीट होने चाहिए इन वन और मोर ऑफ द दक्यूपेशन लिस्टेड अंडर वन ऑफ द एलिजिबल इंडस्ट्रीज जो मतलब ये इंडस्ट्रीज इसमें बता रखी है अभी हम वो चेक करेंगे उनमें से चाहे मोर देन वन मतलब जॉब के ऊपर एक्सपीरियंस हो बट कंप्लीट वन ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है और उसके बाद अगर आप एल एम आई ए मतलब कोई फॉरेन वर्कर है मतलब अगर आप आउटसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपके पास एल एम आई ए पर वर्क मतलब वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ ट्वेल्व मंथ्स मतलब एल एम आई ए होनी चाहिए उसके बाद ये बता रखा है कि कौन से आवर्स काउंट होने हैं कौन से नहीं होने वो आप ख़ुद चेक कर लेना वैसे तो फुल टाइम जॉब है काउंट हो जाएंगे अगर मतलब कोई वॉल्टियर अनपेड इंटर्नशिप थी तो वो काउंट नहीं होते सेल्फ एम्प्लॉयड थे वो भी काउंट नहीं होता तो वो चीज़ें बता रखी हैं यहाँ पे पार्ट टाइम वर्कर थे सीजनल पोजीशन थी तब भी वो काउंट नहीं होगा उसके बाद नीचे आ जाता है जॉब ऑफ़र जैन जॉब ऑफर होनी चाहिए आपके पास जॉब ऑफर मस्ट मीट ऑल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स एलिजिबल ऑक्यूपेशन के अंडर होनी चाहिए फुल टाइम होनी चाहिए नॉन सीजनल होनी चाहिए ये हम पूरी बात कर चुके हैं अब हम चेक कर लेते हैं एलिजिबल ऑक्युपेशनस कौन सी है इस पर क्लिक करते हैं एलिजिबल लिस्टेड अंडर द प्रोग्राम ठीक है तो नीचे चले जाते हैं ओके okay, ये सारी ऑक्यूपेशन यहाँ पे बता रखी हैं एलिजिबल इंडस्ट्रीज अंडर द पायलट प्रोग्राम मीट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन हाउस नर्सरी एंड फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन इंक्लूडिंग मशरूम प्रोडक्शन एनिमल प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग एक्कल्चर कैटल रैंचिंग एंड फार्मिंग हॉग एंड पिग फार्मिंग ठीक है तो पोलिट्री एग प्रोडक्शन शीप एंड गोट फार्मिंग अदर एनिमल प्रोडक्शन तो ये सारी ऑक्युपेशंस इसमें आती हैं एलिजिबल ऑक्युपेशंस के कोड भी बता रखे हैं यहाँ पे नीचे वैसे इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहाँ पे आप ख़ुद एक बार चेक कर लेना ठीक है तो बुचर्स रिटेल एंड होल सेल मीट कटर्स फिश मोंगर्स इंडस्ट्रियल बुच्चर्स मीट एंड बुचर्स एंड मीट कटर्स एग्रीकल्चर सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फार्म सुपरवाइजर स्पेशलाइज्ड लाइफ स्टॉक वर्कर एंड फार्म मशीनरी लाइफ स्टॉक लेबर लेबरर्स इन फूड एंड वेबरेज प्रोसेसिंग ग्रीन हाउस नर्सरी में जो काम करते हैं उनके सारे ये बता रखे हैं हार्वेस्टिंग लेबर लाइफ स्टॉक स्पेशलाइज्ड लाइफ स्टॉक वर्कर्स एंड फार्म मशीनरी ठीक है एनिमल प्रोडक्शन का नीचे बता रखे हैं एनुअल एप्लीकेशन लिमिट अब इसमें जैसे लिमिट होती है ट्वेंटी सेवन फिफ्टी एप्लीकेशन ईच ईयर उठाते हैं वी नो लॉन्गर यूज एनुअल लिमिट्स फॉर इंडिविजुअल ऑक्युपेशन इंडिविजुअल ऑक्युपेशन की लिमिट नहीं है मतलब कि इस ऑक्युपेशन में इतनी उठाई जाएंगी इस ऑक्युपेशन में इतनी उठाई जाएंगी मतलब टोटल सब किसी में मिला के सताईस सौ पचास एप्लीकेशन एक साल में उठाई जाती हैं स्टार्टिंग ऑन जनवरी फर्स्ट ऑफ ईच ईयर वी विल प्रोसेस एप्लीकेशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस तो ऐसा नहीं है कि इस इस वाली स्ट्रीम में मतलब मान लो आप एग्रीकल्चर में हो फार्मिंग में हो और जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनकी उठाई जाएगी एग्रीकल्चर वालों की नहीं उठाई जाएगी ऐसा नहीं है जिसने भी सबसे पहले एप्लीकेशन डाली होगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होगा बाकियों की जिनकी एप्लीकेशन नहीं उठाई जाएगी उनकी फ़ीस जो है वापस हो जाती है ठीक है इफ़ वी रिजेक्ट योर एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ द एनुअल लिमिट रीच्ड वी विल रीफंड योर एप्लीकेशन फीस तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो फीस है वो वापस हो जाएगी तो डरने वाली कोई बात नहीं है बट आप दोबारा ट्राई कर सकते हो अगली बार अब आगे चलते हैं अब बारी आती है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की ठीक है जॉब आप का आपको पता चल गया एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एल एम आई होनी चाहिए आउटसाइड ऑफ कनाडा से अगर अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है और दूसरा आ, एक साल कंप्लीट हो गया ऑक्यूपेशन पता चल गई कौन सी है अब बारी आती है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इसकी कोई खास नहीं है इसमें सिर्फ और सिर्फ सी एल बी आपको लेवल फोर चाहिए रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग में सी एल बी फोर चाहिए ठीक है और चाहे इंग्लिश का टेस्ट चाहे फ्रेंच का टेस्ट कोई भी दे लो दोनों में फ्रेंच में एन सी एल सी होता है उसमें भी फोर लेवल चाहिए यू मस्ट सबमिट योर लैंग्वेज अप्रूव टेस्ट द रिजल्ट मस्ट बी लेस देन टू ईयर्स जैसे आपको पता है कि आल से दो साल के लिए वैलिड होती है तो दो साल के अंदर अंदर का ही आप सबमिट कर सकते हो एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी कोई खास नहीं है मस्ट हैव एटलीस्ट कनेडियन स्कूल डिप्लोमा और जो आपकी इंडिया से हो तो ट्वेल्थ अगर कोई बैचलर्स या कोई मास्टर्स करी हुई है आउटसाइड कैनेडा से किसी भी फील्ड में अगर आउटसाइड कैनेडा से है तो उसकी आपको ई सी ए करवानी पड़ेगी एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट ठीक है वो लेस देन फाइव ईयर के अंदर अंदर होनी चाहिए ठीक है उसके बाद सेटलमेंट फंड अगर डेफिनेटली अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है सेटलमेंट फंड शो करने पड़ते हैं यू मस्ट प्रूव दैट यू हैव एनफ फंड्स टू सेटल इन कैनेडा यू विल नीड टू प्रूव दैट यू हैव एनफ फंड्स टू सपोर्ट यूर सेल्फ एंड एनी फैमिली मेम्बर यू मे हैव इवन इफ दे आर नॉट कमिंग टू कैनडा विद यू ठीक है इफ़ यू ऑलरेडी वर्किंग इन कैनेडा विद अ वैलिड वर्क परमिट वेन यू अप्लाई यू डोंट नीड टू प्रोवाइड अ फंड जैसे कि हर वीडियो में मोस्टली यही होता है हम बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी कैनेडा में हैं उनको पैसे शो करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑलरेडी कैनेडा में हैं टैक्स पे कर रहे रह है, रहे हैं यहाँ पे ये फंड जो होते हैं मोस्टली उन लोगों के लिए होते हैं जो लोग बाहर से अप्लाई करते हैं मतलब आउटसाइड कैनेडा से अप्लाई करते हैं बस उसके बाद जब अब आती है बारी आपकी एप्लीकेशन पी आर एप्लीकेशन पैकेज की जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर देते हो देन आपको जो है कंप्लीट दी एप्लीकेशन पैकेज देन यू नीड टू अप्लाई ऑनलाइन ठीक है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ये सारे फॉर्म वगैरह बता रखे हैं ये आपने फिल करने हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट बता रखी है उसमें आप मेक मेकश्योर sure कर सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं कंप्लीट एंड साइन द पीडीएफ फॉर्म्स इफ़ दे अप्लाई टू यू प्रिंट करके उसको साइन करके आपने हाथ से साइन करने हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिकली साइन नहीं करने आ, बस उसके बाद आपके ये आपका ये फॉर्म है आपके एम्प्लॉयर की तरफ उससे भी फिल करवा के साइन करवा के वो अटैच कर देना है साथ में तो दैट्स इट तो वीडियो आपने देख ली अब आपको पता चल गया कि आपकी एलिजिबिलिटीज क्या है रिक्वायरमेंट क्या है इस प्रोग्राम के लिए अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो सकते हो या फिर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हो अप्लाई कर सकते हो इस प्रोग्राम के अंडर बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा बब्बाई टेक केयर मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ बब्बाई